हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और भलीकार है सिंधी रगड़े में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ वेज सेवई पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 300 ग्राम सेवैयां ली हैं और ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये दो मीडियम साइज का मैंने आलू लिया था, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये मैंने दो मीडियम साइज के गाजर लिए थे, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये मैंने बंद गोभी ली थी, उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये मैंने हरी लहसुन ली है, उसको मैं बाद में चॉप करूंगी। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं उसके बाद इसको चॉप करके शामिल करूंगी। ये मैंने मटर लिया है 1 कप, इसको मैंने गर्म पानी में रख दिया है। अब मैं आपके साथ वेज सेवई पुलाव की रेसिपी बनाने का तरीका शेयर करती हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें ऑयल गर्म हो चुका है। अब उसके बाद हम सेवैयां इसमें डालेंगे और स्लो स्लो पे फ्राई करेंगे और इसका फ्लेम आपको स्लो रखना है। अब हम इसको स्लो स्लोली भूनेंगे। अब सेवैयां रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसमें मैं गर्म पानी शामिल करूंगी। इसको आपको बॉईल करना है मगर ओवर बॉईल नहीं कीजिए। अब ये सेवैयां हमारी स्लो स्लो बॉईल हो रही हैं। अभी सेवैयां बॉयल हो चुकी हैं। अब इसको हम स्ट्रेनर में छान लेंगे। अब मैंने इसको छान लिया है। मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब उसके बाद हम पहले इसमें प्याज डालेंगे और इसका फ्लेम हमें स्लो रखना है। उसके बाद हम इसमें आलू, गाजर, उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें मैं बंद गोभी शामिल करूंगी, उसको फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मटर, उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद काली मिर्च पीसी हुई, नमक एज पर टेस्ट। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। गरम पानी आपको इसमें डालना है। उसके बाद इसका फ्लेम स्लो करके ढक्कन देना है आपको। अब ये सब्जियां अच्छे से पक गई हैं। उसके बाद हम इसमें सेवैयां शामिल करेंगे। बाद में ये मिक्स करना है।
अब इसके ऊपर हम हरी लहसुन, हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसको दम पर रखेंगे। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। और ये हमारी वेज सेवई पुलाव रेडी हो चुकी है। वेज सेवई पुलाव खाने के लिए रेडी हो चुकी है। ये पुलाव आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और ये पुलाव अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।